जनपद रुद्रप्रयाग में भी 75वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मुख्य कार्यक्रम गुलाब राय मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और झंडारोहण कर परेड का निरीक्षण किया है। वहीं जनपद प्रभारी ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमें अपने अधिकारों, कर्तव्यों और देश के प्रति समर्पण तथा देशभक्ति की याद दिलाता है। देश में सशक्त लोकतंत्र की स्थापना बनाए जाने हेतु संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संविधान का स्वरूप अंगीकार किया गया था और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। समस्त देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को मैं 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समस्त हमारे जितने भी राजाधिकारी हैं, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, हमारे शहीद हुए जो आज़ादी की लड़ाई में, उन सबको नमन करता हूं और देश की जनता से बस यही निवेदन करूंगा कि जो माननीय मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनकर सामने आए, उसमें 140 करोड़ लोग अपनी जन भागीदारी करें। हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं, जो उत्तराखंड के हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, उनको भी नमन करूंगा इस मन से।